हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम भूपेंद्र सिंह राठौर और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो आपका टॉपिक है काउंटिंग फिगर, इसमें आपके तीन टाइप से क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, एक तो ट्रायंगल में, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। ये आपका स्क्वायर एंड ये आपका ट्राइंगल, इसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, इसको आयत बोलते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले देखना कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्राइंगल की, देन स्क्वायर और रेक्टेंगल की। तो गाइस स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखा जाए तो सिंपल सी ट्रिक है, एक ही टाइप की ट्रिक है जो दोनों टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देते हैं। अब मेन बात आती है ट्राइंगल की। तो गाइस ट्राइंगल में देखना, एक टाइप का क्वेश्चन आपका टाइप वन में क्या हो सकता है कि जब भी किसी एक ट्राइंगल के अंदर या तो एक लाइन, मिनिमम एक लाइन या फिर एक से ज्यादा, कितनी भी हो जाए, एन टाइम्स लाइन, जब एक ट्राइंगल के अंदर एक या इससे ज्यादा लाइन आ जाए, इस ट्राइंगल का पार्टीशन करिए, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करिए, देन क्या होगा, इसमें आपको काउंट करने के लिए कहा जाए ट्राइंगल्स कितने हैं। तो आप एक तो क्या कर सकते हो, सिंपली जो ट्रेडिशनल वे है उसमें काउंट कर सकते हो, लाइक वन देन टू एंड एक कंप्लीट थ्री। बट अगर अपन ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए ट्रिक कैसे होगी। सबसे पहले देखना कि बेस कितने हैं इस ट्राइंगल के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे देखना बेस कितने हैं। बेस आपका केवल यही है, एक बेस है, ठीक है। अब एक बेस है तो इसके बाद में जितने पार्टीशन हो रहे हैं ट्राइंगल के, उन सब की नंबरिंग करो। यहाँ पे दो पार्टीशन हो रहे हैं तो दो तक अपन ने नंबरिंग कर दी, देन जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर दो, वन प्लस टू एंड थ्री, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब गाइस सपोज दैट एग्जामिनर ने ये बीच में एक लाइन की बजाय, ये लाइन की बजाय एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके से दे दिया होता, देन आपको काउंट करना है इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें भी गाइस एक ही बेस है पूरा। ओके, तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना था कि जितने भी सेक्शन हो रहे हैं उन सब सेक्शंस की नंबरिंग करनी थी। तो नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री और फोर, चार यहाँ पे पार्ट्स हो रहे हैं और चारों की अपनी नंबरिंग करनी। अब इनको ऐड कर दो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो कितना हो जाएगा, टेन। सो देर आर टेन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर, यहाँ पे आपके 10 त्रिभुज होंगे। ओके, देन अपन बात करें अगर टाइप टू के क्वेश्चन की, टाइप टू के क्वेश्चन की अगर बात की जाए, जैसे मैंने टाइप वन में बताया था आपको ये वाला फिगर, अगर एग्जामिनर इसके साथ में एक लाइन ये ड्रॉ कर देता है तो अब देखना कितने बेस हैं। टाइप टू के क्वेश्चन में क्या होगा, आपका एक से ज्यादा बेस हो, एक से ज्यादा बेस होने पे क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपन किसी भी एक बेस को या तो इसको कंसिडर कर लो आप या फिर इसको कंसिडर कर लो। अगर आप ये बेस मानते हो तो आपका ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर वाला। ओके, तो आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन के आ गया, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट बनती। इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, ट्रिक अप्लाई कर रहे थे, वन टू देन वन प्लस टू एंड थ्री, सो थ्री ट्रायंगल्स हो गए आपके इतने पार्ट्स में। ओके, देन अपन सेकंड बेस कंसिडर करेंगे तो आपका अपने ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, इतना अपन ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। देन यहाँ पे अगेन नंबरिंग कर दो, वन एंड टू। अब आपको ये नहीं मानना है क्योंकि ये ऊपर वाला अपने काउंट कर लिया, ठीक है। अब अपना ट्रायंगल कितना होगा, तो इसमें भी दो पार्ट्स हो रहे हैं, नंबरिंग किया देन स्क्वायर किया थ्री, तो थ्री तो गया फिर कंप्लीट में, और एक जब यहाँ पे लाइन थी थ्री उसके, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, सिक्स। वही ट्रिक अपन अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो गाइस इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी एक बेस कंसीडर कर लो, सपोज दैट अपन ने पहले ही बेस कंसीडर कर लिया, ये वाला बेस मान लिया अपन ने, तो इससे ये पूरा ट्रायंगल हो गया। ओके, तो इसमें ये लाइंस आ रही हैं और इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, देन अपन ने क्या किया, नंबरिंग किया, नंबरिंग करने के बाद में इनको ऐड किया 10। अब ये तो कब हो गया, जब ये एक बेस अपन ने माना था, जब अपन दूसरा बेस कंसीडर करेंगे, ये वाला बेस जब अपन कंसीडर करेंगे तो ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से ये वाला होगा। ओके, इसके अंदर अगेन नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री एंड फोर, इसका भी कितना गया, टेन, सो टेन प्लस टेन ट्वेंटी,
अब 20 के बाद में यहाँ पे देखना कोई हिडन ट्रायंगल आपका बन रहा है क्या। हिडन ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी हिडन ट्रायंगल नहीं है, बिकॉज जितने भी हैं सारे अपन ने काउंट कर लिए हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20। तो ये थे आपके टाइप 2 के क्वेश्चन। देन अपन बात करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 में किस में आएगा, जो अपन ने एक क्वेश्चन दिया था आपको सबसे पहले टाइप 1 का, ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या कर सकता है एग्जामिनर, अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपसे पूछा इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल है। तो गाइस जब दो फिगर एक जैसे हो या फिर दो डिफरेंट फिगर हो आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन की ये वाला पार्ट है जो ऊपर वाला सेक्शन है और जो नीचे वाला सेक्शन है, ये दो अलग अलग है बट एक जैसे है दिखने में। तो हम कह सकते हैं कि एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, ये दोनों इस लाइन के ऊपर आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। ओके, तो अपन ने सबसे पहले इन दोनों को अलग कर लिया। अब ये ऊपर वाले कंसीडर करेंगे तो जो सबसे बेसिक ट्रायंगल था आपका सबसे पहले वाला वो ट्रायंगल आ गया। अब यहाँ पे कितने थे ट्रायंगल, 3। अब अगर आपको ये याद हो जाता है ना कि इसके अंदर 3 है तो आपको बार बार में काउंट करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये माइंड में बैठ जाएगा। देन 3 ट्रायंगल यहाँ पे हो गए और सिमिलरली 3 ट्रायंगल यहाँ पे हो गए। काउंट करके देखो कौन से, एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया 2, एंड एक ट्रायंगल आपका ये 3, ये 3 हो गए ऊपर वाले। देन एक ट्रायंगल आपका ये हो गया नीचे की तरफ, देन ये दूसरा और एक कंप्लीट 3 ट्रायंगल ये हो गए। ठीक है, 3 + 3 = 6। अब देखना गाइस हिडन ट्रायंगल कहाँ पे होंगे। हिडन ट्रायंगल के लिए एक सबसे कॉमन बात है कि जिस लाइन के ऊपर दो फिगर हैं आपस में मिल रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, उसी लाइन के आपको क्या मिल जाएंगे, हिडन ट्रायंगल। तो अब ये लाइन पे एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है। अब देखना इन पे ट्रायंगल्स कहाँ पे होंगे, एक ट्रायंगल इस पॉइंट पे हो गया। ओके, देन इस पॉइंट के ऊपर ये ट्रायंगल भी अपन कंसीडर कर सकते हैं या फिर ये ट्रायंगल भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, बट देखना या तो आप दोनों ट्रायंगल्स को यहीं पे काउंट करो इसी पॉइंट पे कि एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, अदरवाइज इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स का काउंट कर लो, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। ओके, सो दो आपके पास में यहाँ पे हिडन ट्रायंगल्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8। तो यहाँ पे आपके पास में 8 ट्रायंगल हो गए। अब ये ट्रिक अगर अपन अप्लाई करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो अगर इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करते हैं देन आप उसको किस वे में सॉल्व करोगे, ये टाइप 3 के क्वेश्चन आपके। सपोज दैट एग्जामिनर ने क्या किया, अगर ये क्वेश्चन जो बनेगा इसकी बात करें तो ये थोड़ा सीजे लेवल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, रेलवे में इतना चांसेस नहीं है कि इतना टिपिकल आपके क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो आप ये रिस्क तो नहीं लेगा एटलीस्ट। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको बताना कितने ट्रायंगल्स हैं। तो गाइस सबसे पहले देखिए इसमें ट्रायंगल्स कितने, काउंट कीजिए। काउंट करें तो अपन सबसे पहले क्या है कि जब दो फिगर आपस में ज्वाइंट हो रहे और दोनों सेम है तो अपन उसको क्या कर रहे थे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब देखना इससे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो अब किसी भी एक के अंदर काउंट कर लो, उसको दो से मल्टीप्लाई कर देना तो दोनों सेक्शन के आपके क्या जाएंगे, ट्रायंगल्स आ जाएंगे। देन इसमें अपन ने काउंट किए थे कितने आए थे, 10 यहाँ पे थे और 10 ये थे, 20। तो 20 थे आपके इस कंप्लीट सेक्शन के और 20 किसके हो जाएंगे इसके, सो 20 + 20 = 40। अब देखने गाइस हिडन ट्रायंगल्स कहाँ पे होंगे, तो हिडन ट्रायंगल्स के लिए मैंने कहा था कि जिस लाइन के ऊपर दो फिगर, दो आपके जो फिगर्स हैं कंबाइंड हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, वहीं पे आपको क्या हिडन ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। अब देखना एक पॉइंट आपका ये है, इस पॉइंट पे आपका हिडन ट्रायंगल, ये वाली लाइन को कंसिडर करना, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को आप मान के चलो, ये वाली लाइन को अपन ये मिलाते हैं तो एक आपका इस पॉइंट पे हो गया हिडन ट्रायंगल। देन एक पॉइंट है इस पे आपका हिडन ट्रायंगल हो जाएगा। देन एक पॉइंट ये होगा इस पे आपका हिडन ट्रायंगल हो गया। देन एक ये पॉइंट है इस पॉइंट पे आपका हिडन ट्रायंगल हो गया। 1 2 3 4, तो 40 + 4 = 44। तो यहाँ पे आपके टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, 44। तो अगर गाइस आपको ट्रिक्स आती है देन इजीली आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कितने हैं, अदरवाइज क्या होगा कि आप यहीं पे काउंट करने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर जब काउंट करोगे तो आपको माइंड पूरी तरीके से बॉइल हो जाएगा और आप ये कोई गारंटी नहीं है कि 100% आप
प्योर आंसर लेके भी आ जाओ, एकदम एक्यूरेट आपका आंसर रहेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई अगर आप ट्रिक अप्लाई करना जानते हो तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देन अपन बात करते हैं टाइप फोर की क्वेश्चंस की। अगर टाइप फोर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात की जाए तो उसमें क्या होता है, सपोज दैट आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से, एक ट्रायंगल के अंदर जब दूसरा ट्रायंगल आ रहा है इस तरीके से, आपको एक ट्रायंगल बड़ा वाला दिया हुआ है और एक छोटे वाला, तो इसमें ट्रिक की बजाय आपको एक चीज याद करनी है, एक चीज आपको लर्न करनी है, एक चीज आपको लर्न करनी है। वो क्या है कि जब भी किसी एक बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल आ रहा है तो बड़े वाले के अलावा चार ट्रायंगल एक्स्ट्रा लेके आएगा, ये बड़े वाले के अलावा। मीन्स कि एक तो आपका ये था बड़े वाला ट्रायंगल, देन इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आपका ये आ गया तो चार ट्रायंगल एक्स्ट्रा लेके आएगा, टोटल कितने होंगे पांच। अब कौन से हैं काउंट करके देखिए, वन देन टू देन थ्री देन फोर एंड कंप्लीट फाइव, ये आपके फाइव ट्रायंगल्स हो गए। अगर आपको ये याद है ये फिगर तो आप इस टाइप के जो फिगर्स पे क्वेश्चन किया करता है एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। किस वे में, सपोज दैट आपको एग्जामिनर ने क्या दिया, इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, सपोज दैट उसने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ पे और देन एक ट्रायंगल अंदर की तरफ ड्रॉ कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कितने फिगर सॉरी कितने यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, तो अगर आप गाइस आपको गाइस पता है ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है तो आपको ये पता है कि ये जो फिगर है ऊपर वाला ये सबसे पहले जो मैंने बताया था उसकी तरह है। तो यहाँ पे कितने होंगे, वन एंड टू, वन प्लस टू थ्री, ये जो फिगर है इसके अंदर भी कितने होंगे थ्री, ये जो फिगर है इसके अंदर भी कितने होंगे थ्री, तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नाइन, तो आपके यहीं पे हो गए। ओके, यानी कि कंप्लीट जो ट्रायंगल है एक ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है प्लस वन कितने होंगे टेन। अब देखना कि जो अंदर का पोर्शन है, अंदर का पोर्शन जो मैंने अभी आपको एक बेसिक चीज बताई कि उसकी तरह लग रहा है कि एक ट्रायंगल है, इस एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आ रहा है तो अपने साथ में कितने लेके आ रहा है चार लेके आ रहा है और एक एक कंप्लीट ये कितने हो गए पांच, तो टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन आपका आंसर होगा। तो गाइस इस वे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप ट्रिक जानते हो तो इजीली सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे आप काउंट करते रह जाओ और मे भी आप पजल हो सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके टाइप फोर की क्वेश्चन थी। अब अगर अपन बात करें टाइप फाइव की क्वेश्चन की, टाइप फाइव के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आप इसको एक स्टार केस कंसिडर कर सकते हो, स्टार केस, बिकॉज इसमें ट्रायंगल से क्या बन रहा है स्टार बन रहा है। लाइक आपको दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स को ओवरलैप करके दिया हुआ है, ये आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ओवरलैप करके, इसमें आपका ये फिगर कुछ स्टार के जैसे लग रहा है इसलिए आप इसको स्टार केस मान सकते हो। अब यहाँ पे ये फिगर भी आपको क्या करना है याद करना है, इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड फिगर आते हैं तो आप आपको क्या रहेगा कि ये बेसिक फिगर याद में रहेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल है, देन इसके ऊपर जो भी एडिशन होगा देन आपको उसमें काउंट करना है तो आपका टाइम कम लगेगा। अब सबसे पहले इसमें काउंटिंग कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो देखना एट ट्रायंगल आपका ये हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स, तो छह ट्रायंगल तो आपके पास में सिंपल हो गए। अब हिडन ट्रायंगल देखो, अब स्टार केस में क्या होगा कि आपको जो ट्रायंगल्स के पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट्स इनको लेना है और इनके ऊपर आपको हिडन ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। अब एक हिडन ट्रायंगल आपका ये हो गया वन फाइव थ्री, वन फाइव थ्री का एक हिडन ट्रायंगल हो गया, देन एक पॉइंट आपने ये मान लिया इस पर टू फोर सिक्स का आपका एक हिडन ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो सिक्स प्लस एट। तो गाइस इसमें आपको याद क्या करना है कि जब स्टार केस का ये बेसिक फिगर आ गया तो इसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं आठ होते हैं। अब कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल क्या करेगा, एग्जामिनर कर देगा अब इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं ये आपको लाइंस को ऐड करके बता देगा, पूछ लेगा कितने ट्रायंगल्स हैं। तो गाइस अगर आपको याद है देन आप कह सकते हो कि अगर मैं ये लाइन हटा दूं और ये लाइन हटा दूं तो ये कुछ स्टार केस की तरह लग रहे हैं, तो आठ आठ ट्रायंगल तो आपने सिंपल से हो गए, ठीक है।
देन सपोज दैट मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक लाइन ड्रॉ करने से कितने नए ट्रेंगल बन रहे हैं? एक ट्रेंगल तो आपका बन रहा है ये वाला, ओके। देन दूसरा ट्रेंगल इस पॉइंट से ये वाला, इस लाइन के ऊपर अपने को देखने हैं, तो एक ट्रेंगल तो आपका ये हो जाएगा 8+1, देन एक ट्रेंगल आपका ये हो गया एंड एक ट्रेंगल आपका ये हो गया, तो +2, सो 8+3 11। या फिर आप कह सकते हो कि एक लाइन के ऊपर तीन ट्रेंगल बन रहे हैं, तो दूसरी लाइन पे भी कितने बनेंगे? तीन ही बनेंगे। काउंट करके देख लीजिए कैसे बनेंगे। एक ट्रेंगल तो आपका ये बनेगा, एक ट्रेंगल तो आपका ये हो गया, ओके। देन दूसरा ट्रेंगल आपका ये हो गया और तीसरा ट्रेंगल आपका ये हो गया, तो तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, 6। सो वी कैन से दैट 8+6 कितने हो गए? 14। ठीक है, 14 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि बेसिक फिगर को याद रखना है, ताकि आपको अंदर की तरफ जो ट्रेंगल थे ये काउंट करने में आपका टाइम नहीं लगा और आपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। देन अपन बात करें टाइप 6 के क्वेश्चन की। फाइनल है टाइप 6 के क्वेश्चन, इससे आउटर ये जो 6 टाइप बताए इनसे बाहर आपका रेलवे में कोई भी क्वेश्चन नहीं आना काउंटिंग फिगर पे। ट्रेंगल की बात की जाए इसमें क्या होगा, सपोज दैट आपको एक बॉक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये तरीके से कोई बॉक्स दिया हुआ आपको, देन इसमें क्या कर रहा है आपको ट्रेंगल्स पूछ रहे हैं। तो गाइस देखना कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे काउंट करके देख लो, काउंट करके देखना, एक ट्रेंगल तो आपका ये हो जाएगा, देन दूसरा ट्रेंगल आपका ये हो जाएगा, देन थर्ड एंड फोर्थ, चार ट्रेंगल तो आपके ये हो गए। अब हिडन ट्रेंगल्स देखो, हिडन ट्रेंगल्स अगर अपन बात करें, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल पे एक तो नीचे की तरफ है और एक इसके ऊपर की तरफ है, तो एक डायगोनल पे कितने बन रहे हैं? दो, तो दो पे कितने बनेंगे? चार, तो 4+4 8। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बेसिक कितने हो गए? 8 आपके ट्रायंगल हो गए। अब अगर अपन बात करें इसमें ट्रिक की, तो ट्रिक गाइस इसमें तभी अप्लाई होगी जब एक बॉक्स के अंदर, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस बॉक्स में आपकी जितने भी लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं वो सारी की सारी लाइंस किसी एक पॉइंट से पास हो रही हैं, किसी एक पॉइंट से पास हो रही है सारी लाइन, तभी आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक ये है कि सबसे पहले अपने को नंबरिंग करना है, फिर नंबरिंग के बाद में सबसे बड़ी जो डिजिट है वो डिजिट लेनी है 4, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8। यहाँ पे 3 आ रही है तो 3 को, 5 आ रही है 5 को, 8 आ रही है तो 8 को, जो भी सबसे बड़ी डिजिट है उसको लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है कि 100% नहीं आएगा, 100% आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, एक्सेप्ट देन द वन फिगर, एक फिगर को छोड़ करके, इसके अंदर आप इंप्लीमेंट मत करना, ये एक्सेप्शनल केस के अंदर इस फिगर पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। बाकी चाहे इसके अंदर कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दे इस फिगर को छोड़ करके, अब यहाँ पे कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दे इसमें से, इस तरीके से, इस तरीके से आपको 1000 लाइन भी अगर ड्रॉ करके दे रहा है, देन आप इजीली उसके अंदर ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें देखना कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, सबसे बड़ा डिजिट 8 को लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 आपका आंसर आ गया। विद इन 10 सेकंड्स आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होती तो आप यहाँ पे काउंट करते रहते आपको इजीली 2-3 मिनट्स आपको लग जाएंगे। तो गाइस ये थे सिंपल आपके ट्रायंगल्स के जो टाइप, जो मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम के अंदर पूछते हैं, तो इन्हीं बेसिक टाइप से पूछते हैं। अदरवाइज अगर एग्जामिनर आपको अटकाना चाहता है, रीजनिंग का पेपर अगर मॉडरेट से अबव लेवल का आ जाता है, तो देन गाइस उसमें आपकी प्रैक्टिस काम आती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा, बिकॉज मॉडरेट में ये नहीं कि कोई नया फिगर आपसे पूछेगा तो इन्हीं के ऊपर, बट आपको क्या फोकस करना होगा फिगर के ऊपर, तो आप कितना फोकस कर पाते हो वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। तो गाइज मैंने जो बुक्स बताई हैं उनको प्लीज़ सोल्व कीजिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है देन कमेंट में डालिए, मैं उसका आंसर करूँगा। और आज की वीडियो में अपन ने देखा ट्रायंगल्स को, देन अपन देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल्स, और उसके बाद में अपन एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर पे, इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए, कुछ किसान की जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो गाइज वो वीडियो जरूर देखना, और आज की वीडियो में केवल इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।
थैंक यू फ्रेंड्स।